यार काफी बंदे ये बोल रहे थे कि भाई हमारी स्टोरी पर व्यूज नहीं आ रहे। तो यार आज ना आपकी स्टोरी पर व्यूज लाने की एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि काफी यूजफुल ट्रिक है। और आप इस ट्रिक को यूज करोगे ना तो नॉर्मली आपकी स्टोरी पर काफी मात्रा में व्यूज आने वाला है। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखना, और देखो वीडियो की ड्यूरेशन भी कोई ज्यादा लंबी नहीं है, तो इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना होगा, आपकी जितनी भी पोस्ट है उन पोस्ट में जो भी आपकी सबसे अट्रैक्टिव पोस्ट है, जो भी सबसे अच्छे में क्रिएटिव सी है, अगर आप अपनी पोस्ट को मतलब सभी पोस्ट को अच्छा सा बनाते हो, मतलब आप एक एडिटर हो, आप एक फोटो एडिटर हो, आप अपनी फोटो को बहुत अच्छे से एडिट कर देते हो, तो नॉर्मली आप अपनी कोई भी पोस्ट वहां से उठा सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी कोई पोस्ट ऐसी रखते हो जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट की हुई है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, तो आप उस पोस्ट को उठाइए और उस पोस्ट को उठा करके अपनी स्टोरी में लगा दीजिए। और स्टोरी में लगाते वक्त दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको एट द रेट लगा करके बंदों को मेंशन करना है, और वो बंदे कौन कौन है आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने वो पोस्ट पिक्स आर्ट से एडिट की हुई है, तो आपको पिक्स आर्ट को मेंशन करना होगा, ब्लू टिक वाला जो पिक्स आर्ट है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको मेंशन करना होगा जो भी पिक्स आर्ट से रिलेटेड जितने भी पेज है, जैसे पिक आर्ट्स एडिटिंग, पिक्स आर्ट्स बैकग्राउंड एडिटिंग, पिक्स आर्ट्स बैकग्राउंड, या फिर ओनली केवल पिक्स आर्ट। गाइज इसके अलावा और भी जो भी जितने भी इंस्टाग्राम पर पेज है पिक्स आर्ट से रिलेटेड जितने भी पेज है, वो आप खुद से देख लेना, क्योंकि यार सारे के सारे नाम तो पिक्स आर्ट के मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। आप नॉर्मली इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, और पिक्स आर्ट से जितने भी रिलेटेड पेज है उन पर जितने भी ज्यादा फॉलोवर है, जिसके भी जितने ज्यादा फॉलोवर होंगे ना, आप उसको मेंशन कर देना, नॉर्मली आपके स्टोरी के व्यूज बढ़ जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा एक बात और है, अगर आपकी पोस्ट में किसी और ऐप का यूज हो रहा है, मतलब कि आपने अपनी फोटो को एडिट करने के लिए पिक्स आर्ट के अलावा किसी और ऐप का भी यूज किया है, लाइक आपने स्नैपसीड का उपयोग किया है, या फिर LR का उपयोग किया है, लाइटरूम का उपयोग किया है, तो दोस्तों आपको उनका पेज भी मेंशन करना होगा, और उसके साथ साथ जितने भी पेज है उनको भी मेंशन कर देना है। और जितने लोगों को भी आप यहां पे मेंशन कर रहे हो, बस आपको क्या करना है, उनको बड़ा बड़ा नहीं करना है, मतलब कि आपकी स्टोरी पर आ जाते हैं ना भाई वे व्हाइट व्हाइट या फिर ब्लैक ब्लैक, मतलब उनका जो नाम है जितने भी आपने मेंशन किया है उनको बहुत छोटा छोटा करके साइड में कर देना है, जिससे कि जो आपकी स्टोरी है उसका जो सरफेस है वो गंदा नहीं हो पाएगा और बिल्कुल अट्रैक्टिव एकदम साफ दिखाई देगा। और एक ट्रिक और बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप मेंशन नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों इसमें ही एक ट्रिक और बता रहा हूं कि आपकी जो स्टोरी है उसकी रीच, उसके व्यूज कैसे बढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप अपनी पोस्ट को उठाइए, कोई भी पोस्ट उठा लीजिए, वैसे तो अट्रैक्टिव ही उठाना, क्योंकि यार अच्छा लगता है भाई, बंदे देखते हैं तो उनको क्रिएटिव से लगती है, तो भाई बंदे देख लेते हैं आपकी स्टोरी को रोककर। तो उसके साथ ना आप एक चीज लगा सकते हो, आप पोल लगा सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप पोल में कुछ भी लिख देना। पोल से क्या होगा दोस्तों, जो ऑडियंस है वो आपकी स्टोरी को देखेगी, वॉच करेगी, तो वो पोल पे टच करेगी। जब आपके पोल पे टच होगा तो एल्गोरिथम समझेगा कि यार इसके पोल पे काफी मात्रा में टच हो रहा है, मतलब स्टोरी को रोक करके देखा जा रहा है, तो वो नॉर्मली आपकी स्टोरी को आगे तक भेज देगा। और दोस्तों इसके अलावा एक चीज और आपको बता दूं जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप अपने स्टोरी पर बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है ना, कई बंदे म्यूजिक लगा देते हैं भाई, अच्छा लगता है, अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ आज, अगर आप अपनी स्टोरी में बैकग्राउंड म्यूजिक ना लगाओ तो आपकी जो व्यूज है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर उसके साथ में आप पोल भी लगा दोगे तो डबल इंक्रीज हो जाएंगे। और इसके अलावा गाइज आप चाहो तो ब्लू टिक वाले जो बंदे हैं, मतलब जो सेलिब्रिटी है, उनको भी टैग कर सकते हो, मतलब कि उनको अपनी स्टोरी में मेंशन कर सकते हो। अगर उनमें से कोई बंदा बाय चांस आपकी स्टोरी को वॉच कर लेता है तो दोस्तों आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आपका जो अकाउंट है वो इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई सेलिब्रिटी नॉर्मली अगर आपकी स्टोरी को देख लेगी तो फिर आप खुद ही सोचे कि आपकी स्टोरी पर कितने मात्रा में व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि यार ब्लू टिक की बात ही कुछ और होती है, इसलिए तो ब्लू टिक सबको नहीं मिलता, वरना आप जैसे और मेरे जैसे को तो ब्लू टिक मिल गया होता। ये थे आपके स्टोरी पर व्यूज बढ़ाने के तरीके, अगर इस तरीके से भी आपके स्टोरी पर व्यूज नहीं आते हैं तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, और बोल सकते हो कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे, कोई अलग ट्रिक बता दो, तो मैं अलग ट्रिक बता दूंगा।